नाराज ना हो यार थोड़ी, हम मुझे मालूम है थोड़ी लेट वीडियो आ गया यार, क्या करूँ, मेरी भी कुछ मजबूरी थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। पर यार कुछ नहीं, पहले इंट्रो लगा लेते फिर आपसे आगे बात करते हैं। Hello, welcome to Fleet X Gamer. Hey guys, क्या हाल चाल, होपफुली आपसे भी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हॉट ड्रॉप करते हैं मोल्ड विशन पे। यहाँ पे उतरते के साथ हमें कुछ गन मिल जाती है, हम तब तक हमारे सामने दिख जाते हैं एक बंदे, हम कहते हैं रुको इनको बजा लिया जाए, फिर आपसे मिलते हैं। ये भाई साहब तो घर में घुस जाते हैं, तब हम कहते हैं रुको इनके पास जंप करके जाते हैं इनको बजाते हैं। तब तक हमारे टीममेट इतने जल्दी में थे कि पहुंच कर इनको बजा देते हैं। हम ठीक है चलो भाई, फिर हम आगे बंडे ढूंढने चलते हैं, मारते हैं फिर उनको। आप करिए गेम प्ले को एंजॉय। और यहाँ पे हम पिक पाक लेकर देख ही रहे होते हैं, तब भाई साहब हमको दिख जाते हैं इधर पे सामने की तरफ। हम कहते हैं रुको भाई इनको बजा लेते हैं, फिर इनको तुरंत ही बजाने के बाद तब तक हम यहाँ पे एक बोट चचा दिख जाते हैं उनको, फिर बजाते हैं। तब तक भाई साहब इनके टीममेट जिनको पहले बजा रहते हैं पिक पाक लेकर, उनके टीममेट आ जाते हैं, हमें डैमेज देते हैं, दबाकर हम भी डैमेज देकर उनको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे तीनों लोग को फिनिश करने के बाद तब तक हमारे सामने बोट चचा मिल जाता है, हम कहते हैं तब तक हमारे पास मिल चुकी रहती है कार्नर किट, हम इनको बजा लेते हैं, कुछ शॉट मार लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पे हमारे टीममेट भाई साहब इसको फिनिश कर देते हैं, तब तक सामने हमें दिख जाते हैं उनको हम फिनिश कर देते हैं पूरा खाने के बाद। यहाँ से हम निकल चलते हैं, लूट वूट करते रहते हैं, तब तक यहाँ पे हमारे सज्जन पुरुष दिख जाते हैं, फिर हम कहते हैं रुको भाई इनको मारते हैं, केडी अपना करते हैं मेंटेन, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। इन सज्जन पुरुष जी को बजाने के बाद यहाँ पे हम सामने जा ही रहे होते हैं, तब तक एक भाई साहब हमें नॉक मिल जाते हैं, तो हमें यहाँ से किल चोरी कर लेते हैं। किल चोरी करने के बाद यहीं पे थोड़े से ओल्ड बेसिन के थोड़े से आगे जाते हैं, तो ये भाई साहब हमें दिखते हैं, हम इनको कार 98 का शॉट देते हैं। ये भाई साहब पता नहीं किस दुनिया में भग जाते हैं, कहते रुको भाई, तब तक हमको साइड से कहीं से डैमेज पड़ती है, आप सभी भी देखो। अब हम सोच में पड़ जाते हैं भाई ये साइड से कौन मार रहा है, तब तक हमें पता चलता है कि ये भाई साहब ये गिली सूट पहन कर लेटे हुए हैं। हमारे टीममेट कर देते हैं मार्क, हम कहते हैं रुको भाई करते हैं इनको फिनिश करने के बाद आगे देखिए। तो यहाँ पे भाई साहब इनके दोस्त आते हैं अलग दुनिया से निकल कर, हम कहते हैं अच्छा इनको फिनिश कर देते हैं, इन दोनों लोग भेज देते हैं लॉबी में। इन लोगों को लॉबी में भेजने के बाद यहाँ से हम बंदे तलाशी कर रहे थे, तो ये भाई साहब देखिए ये धूम 5 की शूटिंग चल रही है, क्या बे ऐसे चलाया जा रहा हूँ, कहते रुको भाई इनको आपने इशारा से देते हैं धीरे धीरे करके डैमेज। पर ये भाई साहब की किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये बच जाते हैं, हम कहते ठीक है फिर मिलो तुम, फिर बताते हैं तुमको। और यहाँ आप देखो यार हमारी एक अलग ही लेवल की स्नाइपिंग चल रही है, एक कोई ढंग का हमारा शॉट नहीं लगने वाला है। फिर हम कहते हैं चलो भाई फिर उधर कूदते रहिए, कहते हैं घूम कर इन लोगों को मारेंगे, थोड़ा पास से जाए तो क्या जाए थोड़ा सा लग जाए। तो भाई जब ये सामने दिख जाते अलग स्वैग में, हम कहते अच्छा फिर तो भाई साहब को देते हैं दबाकर इस कैरल की डैमेज। भाई साहब को ओ भाई ये बच गए क्या, अच्छा हम बगी पीछे होंगे, ना ना किधर गए भाई किधर गए, ए देख रहे हो कहाँ भाग रहे हैं भाई साहब, कहाँ जा रहे हो, वो घर के पीछे क्या करने जा रहे हो भाई साहब, चचा समझ रहे हो ना। फिर कहते रुको भाई चलो बाहर आओ। भाई साहब को पता नहीं कौन सी दिक्कत हो गई, हम हेल्प ठीक करके आएंगे, फिर भाई साहब बाहर आकर हेल्प पहुँच रहे, हम कहते ठीक है फिर लो बजा दिए क्या। अब यहाँ पे हम हो जाते हैं एक अलग लेवल स्वैग में, हमको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाती है हमारे अंदर, हम कहते हैं चलो अब स्नाइपिंग करेंगे हम, अब कुछ नहीं अब स्नाइपिंग होगा हमसे। यहाँ से तुम मेरी ऐसी तगड़ी वाली स्नाइपिंग देखोगे तो कहोगे यार क्या गजब कितनी स्नाइपिंग करते हो, तो तुम देखो पहले देखो तुम, कहते हैं इधर से काई ताका झाँकी करके कहीं से लग जाए तो फिर ठीक है, तो भाई ऐसा शॉट मारता हूँ गजब का, तुम देखोगे तो कहो वाह देखो ये भाई क्या शॉट, वो अच्छा मैंने नहीं मारा ऐसा दूसरा कोई हमें मार दिया। फिर कहते टीममेट आ जाओ रिवाइव करो फिर हमको, डॉक्टर वाला गेम कर दो स्टार्ट। अरे भाई तुम कहाँ से आ गए, हम अपने टीममेट बुलाएं यार ऐसे रिवाइव मत करो। ए भाई ये भाई उस मैच में तो हमें मिल नहीं पाता चिकन डिनर, क्योंकि भाई बुलाते अपने टीममेट को आते कोई और है, फिर कहते हैं चलो भाई ठीक है अब हमारा तो तुम कर दिए काम तमाम, यहाँ पे हम हॉट ड्रॉप करते हैं टर्टल पे, और यहाँ पे हमेशा की तरह क्या आते हैं तुम समझ रहे हो, तो चलो वीडियो को आगे करते हैं बात। यहाँ पे सज्जन पुरुष जी को बजाने के बाद लूट करते हैं आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पे तब तक भाई सामने दिख जाते हैं सज्जन पुरुष, हम कहते हैं ठीक है चलो भाई कर लेते हैं हम चेरी मेटे। यहाँ पे भाई साहब को बजा वजा लेते हैं, जब अच्छे से बजा लेते हैं तब हम कहते हैं इनको फिनिश भी करना है, इनको फिनिश कर लेते हैं पहले।
अर्जुन क्रूज को फिनिश करने के बाद यहाँ से हम आ जाते हैं अपने टीम मेट पास। सोचते हैं यहाँ पे काफी सारे बंदे होंगे ये भाई साहब, क्योंकि इतने किल पे किल किए जा रहे थे। हमें अच्छा फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे सज्जन पुरुष जी को बजा रहे थे तो सामने हमें भी दिख जाते सज्जन पुरुष जी। तो फिर उसके बाद क्या #KD मेंटेन कर लेते हैं। हम अपनी KD मेंटेन कर ही रहे होते हैं तब तक भाई साहब हमारे टीम मेट कोई पीछे से कोई बजा देता है। यहाँ पे कोई गाड़ी वोड़ी से आता है, पता नहीं कितने बंदे रहते हैं, हमको ये भी नहीं पता रहता तब तक भाई। यहाँ पे ये ऊपर कोई हमको दिख जाता है अपने सज्जन पुरुष जी, उनको बजा लेते हैं। उनको बजाने के बाद तब तक यहाँ पे देखो फिर हमको साइड से यहाँ से यार चारों तरफ से हमें ये सज्जन पुरुष की लाइन लगी पड़ी है यार। इनको तो फिनिश कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कहीं भाई कहीं से दिख जाए यहाँ से। तब तक ये भाई सभी ये हमको बाकी दिखते हैं, हम कहते हैं अच्छा रुको अपने टोनी निकालते हैं, इनको बजाते हैं, इनको नॉक कर देते हैं। नॉक फिनिश दोनों करने की कोशिश करते हैं तो फिनिश भी कर देते हैं। तब तक कहाँ हमें देखिए यहाँ से ऊपर से कोई हमें मारता है, हम कहते हैं अच्छा। फिर यहाँ आप सोचते हैं हेल्पफुल करें या ना करें, क्योंकि भाई साहब आएंगे मारेंगे आएंगे मारेंगे आएंगे मारेंगे। तब तक इसी कन्फ्यूजन में कहते हैं चलो भाई हेल्थ लगा ही लेते हैं अपना। यहाँ पे फटाफट अपनी हेल्थ लगाने के बाद अब सोचते हैं भाई साहब बचे हैं अकेले, हम कर देंगे हमारे साथ है अपनी टॉमी, इनको कर देंगे हम फिनिश। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में हम बढ़ते हैं आगे। तब तक भाई साहब ऊपर से हमें देते हैं फुल डैमेज, हम कहते हैं अरे भाई, पर हम डरने वाले नहीं थे क्योंकि माउंटेन ड्यू जो किए थे ना गलत सोच लिए हम, क्योंकि टॉमी जो लिए थे भाई साहब ऊपर करते थे डायरेक्ट रश, इनको कर देते पूरा फिनिश। उन लोगों को टोटली फिनिश करने के बाद यहाँ से हम अपनी रेंज रोवर उठाते हैं और निकल पड़ते हैं आगे एक तरफ ओल्ड बेसिन, क्योंकि यहाँ पे हम सोचते हैं भाई ओल्ड बेसिन है तो यहाँ पे जरूर बंदे होंगे क्योंकि ये लास्ट जोन है। हम कहते अच्छा भाई, फिर यहाँ पे यार हमारी किस्मत तो बहुत ख़राब थी, बंदे मिलने तो से नहीं। तो हम कहते अच्छा पूरे ओल्ड बेसिन खंगाल देते हैं यार, कोई नहीं मिलता। हम कहते चलो भाई आगे बढ़ते रहते हैं। तब तक हमारी तिरछी निगाहें से हमें दूर दूर ड्रॉप दिख जाता है, हम कहते चलो करते हैं स्पीड बूस्ट में और उड़ाते हैं अपनी बुगाड़ी को। और अपनी बुगाड़ी से पहुंच जाते हैं यहाँ पे हम ड्रॉप के पास, ड्रॉप करते हैं अच्छा रुको भाई कहाँ से नहीं इस ड्रॉप में कुछ हो WWM हो, पर यार हमारी किस्मत इतनी शानदार थी यहाँ पे हमें मिल जाता है WWM। कहते हैं ठीक है चलो भाई। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं 3x, ज़्यादा अमीर नहीं है 3x से काम चला लेते हैं भाई, 3x यूज करते हैं। तब तक यहाँ भाई कोई नागिन बना फिरता है, हम कहते ये लो ये पटाओ हो, ची 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 बहुत गंदी शॉट लगी, ची ची हमको ए भाई लग गया क्या ये भाई साहब नॉक, ये भाई साहब ये हो गए फिनिश। फिर इनको फिनिश करने के बाद हम निकल चलते हैं जोन को, चीरते फाड़ते गजेड़ियों की तरफ अपने गाड़ी उड़ाते। हम कहते हैं चलो भाई जोन से कम बाहर तो निकले। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे तो कोई नहीं मिलता, तब तक सामने देखो भाई साहब भग रहे हैं पटाक, इतनी अच्छी स्नाइपिंग नहीं है यार कि उसको लग जाएगी। हम कहते हैं चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जून उधर बन रहा है, फिर यहाँ पे अपने उठाते हैं बुगाड़ी को और उठाने के बाद तुरंत निकल चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से बस जा ही रहे होते हैं भाई जून, फिर हमको टच करता है, हम ना तुमको तो ना टच करने देंगे। फिर यहाँ पे तुरंत निकलते उतरते हैं और यहाँ पे हमारे देखो यार स्नाइपिंग का भूत जो सवार है भाई साहब, मार के कोशिश करते ना लगा ये, अब फिर से जून हमको छू दिया, फिर भागकर निकला, आगे निकलो आगे निकलो। यहाँ से अब कहते हैं अब ना रुकेंगे, अब जा रहे रुकेंगे तो बंदों के पास रुकेंगे भाई, कितना भी है तो यहाँ पे हेल्थ और मार लिए तो यहाँ से देख रहे हो भाई साहब उतर जा मुन्ना उतर जा। इन भाई साहब को बजाना जो है भाई साहब देख रहे हो 100 गोलियाँ बंदूक लेकर चल रहे हैं। हम कहते हैं अच्छा हमारे पास भी है अपनी हमारी प्यारी WWM, निकालते हैं उसको भाई साहब। तब तक दिख जाते हैं मारने की कोशिश, लगा नहीं भाई। तब तक भाई साहब हमको डैमेज देते ये भाई साहब हमको विश्वास नहीं हो रहा था ये सब मार दिए भाई, ये भी लगा। अब देखो भाई अब इतना खुश हो जाते हैं कि वो भर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हो जाती है, हेल तो मारो फिर मार देंगे। तब तक भाई साहब को देखना है एक इधर से भाई देखो क्या ये क्या है यार, हमारी एक तो इतनी मेहनत से दो थे हम शॉट जो मारे वो भी लेकर गए ये। हम कहते हैं अब तो हमारा खून खौल जाता है, इनको सोचते हैं मारने की यार हमारी स्नाइपिंग की आदत तो जाने वाली नहीं है। हम कहते हैं अब रुक जाओ, खून खौल गया, मरे तो मरे पर तुम्हें लेकर जरूर मरेंगे, पर यार इसे लेकर मरेंगे तो हमारा ही चिकन डिनर होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। पर ये भाई साहब ये देखो ये जा रहे हैं, हम कहते हैं अपने प्यारी टॉमी निकल जाए इनको प्लीज। और यहाँ पे भाई चिकन डिनर अपना निकल जाता है। सो गाइस होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, चैनल पर भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा यार। दोस्तों यार अपना सपोर्ट दिखा दो अपने भाई को यार। फिर मिलते हैं और धमाकेदार बेहतरीन वीडियो गेम प्ले लेकर, बाय दोस्तों।